नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम रोज़ाना रात 9 बजे अपराध से जुड़ी हुई कोई बड़ी कहानियां सुनाते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल आखिरी शूटर के बारे में, जिसकी कल रात नेपाल से गिरफ्तारी हुई है और उसे नेपाल से अब भारत लाया गया है। चंडीगढ़ लाने के बाद उसे पंजाब के मानसा ज़िले के कोर्ट में उसे पेश किया गया है, जहां से उसे और उसके साथियों को 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब पुलिस उसकी 6 दिनों तक पूछताछ करेगी, लेकिन खबर ये नहीं है कि उसके साथ अब क्या होने वाला, बल्कि खबर ये है कि उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई। दीपक मुंडी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद अब गोल्डी बराड़ सोशल मीडिया पर एक बार फिर से धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्डी बराड़ अब सोशल मीडिया पर ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ये दावा कर रही हैं कि दीपक मुंडी को हमने पकड़ा है, वो सरासर गलत है। दरअसल गोल्डी बराड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने दीपक मुंडी को नहीं पकड़ा है, लेकिन दीपक मुंडी को नेपाल पुलिस ने पकड़ा है, ऐसा गोल्डी बराड़ कह रहा। हालांकि बाद में ये भी जानकारी सामने आई कि नेपाल पुलिस ने उसे पकड़ा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर दीपक मुंडी, जो करीब 105 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो रहा था, उसकी गिरफ्तारी कैसे हो पाई, कैसे पुलिस के लिए ये सब मुमकिन हो पाया है। तो इसमें हम दिल्ली पुलिस की जितनी सराहना कहें उतनी कम होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस दीपक मुंडी को पकड़ने के लिए या फिर सिद्धू मूसेवाला के सभी हथियारों को पकड़ने के लिए बहुत ही शिद्दत से लगी हुई थी, और दिल्ली पुलिस की इसी शिद्दत का नतीजा है कि दीपक मुंडी आज पुलिस की गिरफ्त में है। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी की कहानी जैसे हम फिल्मों में देखते हैं या फिर किसी क्राइम सीरीज में देखते हैं, जो हमें टीवी शो में देखने को मिलता है, जिस तरह से पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से काम करती है, ठीक उसी तरह से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे केस में मुस्तैदी दिखाई है और दीपक मुंडी समेत 2 और कुख्यात गैंगस्टरों को पकड़ने में दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस लगातार दीपक मुंडी या फिर उससे जुड़े हुए जो तमाम गैंगस्टर थे उनके फ़ोन को सर्विलांस पर रखी हुई थी, और इधर दीपक मुंडी जो कि लास्ट बार चर्चा में तब आया था जब देवेंद्र बमिया गैंग के एक बदमाश मनदीप मनाली की फिलीपींस में हत्या कर दी गई थी, और इसकी हत्या के बाद गोल्डी बराड़ सामने आया था और सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड़ के इस हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद दीपक मुंडी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, उस ऑडियो क्लिप के बारे में हमने आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। उस ऑडियो क्लिप में दीपक मुंडी ने कहा था कि बमिया गैंग के सभी बदमाशों को इस तरह से मार दिया जाएगा, और इसके बाद देवेंद्र बमिया गैंग भी काफ़ी ज़्यादा बौखलाया था और वो भी बदले की बात कर रहा है। लेकिन दीपक मुंडी का इरादा क्या था, दीपक मुंडी आखिर नेपाल क्या करने के लिए गया था, तो ये बातें अगर आप सुनेंगे तो वाकई में चौंक जाएंगे, क्योंकि दीपक मुंडी से गोल्डी बराड़ ने वायदा किया था कि जब तुम इस हत्याकांड को अंजाम दे दोगे तब तुम्हें हम दुबई या फिर किसी और जगह तुमको शिफ्ट कर देंगे, वहीं पर बैठकर तुम राज करना। और दीपक मुंडी इसी फिराक में था, क्योंकि दीपक मुंडी के जो और साथी थे, चाहे हम प्रियव्रत फौजी की बात कर लें, अंकित सिरसा हो या फिर जगरूप रूपा, मनप्रीत मन्नू गुस्सा, कशिश, 3 लोग गिरफ्तार होकर पुलिस की कस्टडी में हैं, बाकी 2 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है, 6ठा आरोपी पकड़ा गया। तो दीपक मुंडी विदेश जाना चाहता था, पहले तो उसे ये कहा गया था कि नेपाल में उसे एक फर्जी पासपोर्ट मिलेगा और काठमांडू एयरपोर्ट से उसे विदेश में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर ये भी मामला सेटल नहीं होता, सब कुछ उस हिसाब से नहीं होता जैसा गोल्डी बराड़ चाह रहा था, तो फिर उसे किसी और माध्यम से विदेश में भेजने की तैयारी चल रही थी। लेकिन उससे पहले ही नेपाल पुलिस, जब ये लोग बंगाल और नेपाल की सीमा के जरिए वहाँ नेपाल में एंट्री कर रहे थे, तभी नेपाल पुलिस इन 3 बदमाशों को पकड़ लेती है, और इन 3 बदमाशों को ये सोचकर पकड़ा जाता है कि ये 3 बच्चा चोर गैंग से हैं, क्योंकि नेपाल में आजकल बच्चा चोर गैंग बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुका है, और पुलिस को ये लगता है कि ये वही बच्चा चोर गैंग है जो बच्चों को चुरा कर उनसे भीख मंगवाता है या फिर उन्हें कहीं ना कहीं बेच देता है। तो नेपाल पुलिस इन 3 को जब गिरफ्तार करती है, इन 3 से पूछताछ करती है कि आखिर तुम इस देश के सीमा में क्यों घुस रहे थे, तो ये 3 कहते हैं कि हम भारत के बहुत बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और हम बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आ रहे थे। तो उसमें से जो जोकर नाम का गैंगस्टर है वो नेपाल में पहले से रहता था, तो उसके 2-4-5 लोग जानने वाले थे, तो उन 2-4 लोगों का हवाला देकर वो कहता है कि मैं गारंटर बुलाता हूँ जो हम लोग की गारंटी लेगा और हमें ज़मानत मिल जाएगी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम गारंटर बुलाओ। इधर वो अपने गारंटर को बुलाने के लिए जैसे ही फ़ोन करता है, दिल्ली पुलिस इंटरसेप्ट कर लेती है। यहाँ पे लगातार दिल्ली पुलिस 24 घंटे जैसे हमने श्रीप्रकाश शुक्ला के केस में देखा था कि श्रीप्रकाश शुक्ला के केस में कैसे पुलिस सर्विलांस के जरिए
शुक्ला का जो है ट्रैक करने की कोशिश करती है शुक्ला को, ठीक उसी तरह से दीपक मुंडी के साथ भी हुआ और पुलिस लगातार निगाहें बनाए हुई थी। जैसे ही पुलिस को इंटरसेप्ट होता है तो पुलिस नेपाल पुलिस से संपर्क करती है और बताती है कि जो यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है ये तीनों उसी हत्याकांड में शामिल हैं। उसके बाद पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक टीम जाती है नेपाल और इन लोगों को पकड़ती है और इस खबर की पुष्टि होती है और इन लोगों को पहले चंडीगढ़ लाया जाता है। चंडीगढ़ लाने के बाद इन्हें मानसा कोर्ट में आज के दिन पेश किया जाता है और मानसा कोर्ट इन्हें मानसा पुलिस की कस्टडी में 6 दिनों के लिए सौंप देती है। अब ये 6 दिनों तक पूरे राज बताएंगे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से कई और पहलू सामने आए। जिस तरह से अभी तक कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ही और गोल्डी बराड़ इस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब ये मास्टरमाइंड वाली बात में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है और अब ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ही नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ISI से जुड़े हुए हैं और ख़ासतौर से कनाडा में बैठा लखवीर लंडा और खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा, ये दोनों इसके पीछे हैं और पाकिस्तान में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई थी। कपिल पंडित नाम का जो एक और आरोपी इसमें है तीनों में, उसने खुलासा किया है कि वो गोल्डी बराड़, संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई के जरिए सलमान खान को मारने की प्लानिंग कर रहा था। यानी कि सलमान खान के हत्या की जो बात सामने आई थी, सलमान खान की हत्या हो सकती है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ठीक बाद, तो ये बातें भी अब निकलकर सच सामने आ रही हैं। सलमान खान की हत्या की प्लानिंग बनाई गई थी और कपिल पंडित ही सलमान खान को मारने की योजना बना रहा था, लेकिन उससे पहले ये लोग गिरफ्तार हुए और इनसे अब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। तो गोल्डी बराड़ अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से धमकी दे रहा है कि अगर इनका एनकाउंटर हुआ तो पुलिस फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगी। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जितने भी लोग शामिल हैं, जब जब उनकी गिरफ्तारी होती है, जब भी उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई करती है, तो गोल्डी बराड़ कनाडा से बैठकर लगातार धमकियां देता है और ये धमकियां पुलिस के हिसाब से अगर देखी जाए तो पुलिस का मानना है कि ये गैंगस्टर तब तक धमकी देते हैं या फिर तब तक इन शेर बने रहते हैं जब तक इनके हाथों में हथियार होता है या फिर ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ये एकदम टूट कर बिखर जाते हैं। तो गोल्डी बराड़ को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि उसके साथ अब बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई जो उसका करीबी है और इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है, ब्रेन कहा जाता है उसे, वो पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। गोल्डी बराड़ का भाई अनमोल बिश्नोई केन्या से पकड़ा गया, उसका भांजा सचिन थापन अजरबैजान से पकड़ा गया, बाकी 3 आरोपी और पकड़े गए, 3 शूटर पहले भी पकड़े गए थे, 2 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ की जो गैंग है जिसके बल पर गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान के अंदर कई बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिलवाया करता था, वो सब लोग अब पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि हो ना हो बहुत जल्दी ही गोल्डी बराड़ भी गिरफ्तार हो जाएगा। क्योंकि गोल्डी बराड़ को अगर ये लगता है कि वो कनाडा में बैठा हुआ है और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, तो अगर आपके इतिहास को अगर उठाकर देखा जाए तो ऐसे कई सारे गैंगस्टर हैं, जैसे कौशल चौधरी गुड़गांव की हम बात करें या फिर काला जछेड़ी गैंग के काला राणा की बात करें, ये लोग भी विदेश में बैठकर इसी तरह के अपराधों को अंजाम दिया करते थे, लेकिन एक न एक दिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके लाई और इनके साथ वही हुआ जो एक गैंगस्टर एक बदमाशों के साथ होता है। तो अब देखना अहम होगा कि दीपक मुंडी को जो पुलिस जिंदा गिरफ्तार करके लाई है, वो दीपक मुंडी अब कौन कौन से राज पुलिस के सामने उगलता है। क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि जब मनप्रीत मन्नू कुस्सा और जगरूप रूपा का पुलिस ने एनकाउंटर किया था, तो उस समय पुलिस ने कहा था कि हम इन दोनों को जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में और भी जो बारीकियां हैं जो अभी छिपी हुई हैं दिखाई नहीं दे रही हैं वो भी निकल कर सामने आए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन दोनों का एनकाउंटर हो गया जिससे पुलिस को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्दी हो ना हो इस मामले में और नया खुलासा हो सकता है। तो इंतज़ार रहेगा उस वक्त का जब दीपक मुंडी 6 दिनों की पूछताछ में कई सारे राज को कबूल करेगा। फिलहाल आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। आज संडे का दिन था तो हमने सोचा क्यों ना घर से ही कुछ काम कर लिया जाए, तो इसीलिए हम आपको घर पर बैठ के रिपोर्ट दे रहे थे।